आज हम इस वीडियो में जानेंगे गूगल में इस कैमरे को ऑप्शन क्यों दिया होता है, गूगल में सर्च बार में कैमरा क्यों दिया होता है। अगर आप गूगल का डेली यूज करते हैं कहीं ना कहीं सर्च करने के लिए, तो आपने भी देखा होगा गूगल में इस कैमरे के ऑप्शन को, और जनरली आपने इसको अवॉइड किया होगा। तो आज जानते हैं इसके बारे में। इससे पहले फ्रेंड्स, मेरा नाम है चिराग अग्रवाल, आप देख रहे हैं सेल्फ चैक यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करना। चलिए आगे वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम फ्रेंड्स ये जानते हैं ये ऑप्शन ओपन कहाँ से होता है। जनरली आपको गूगल लिख देना है यहाँ पे, फ्रेंड्स ओपन करने के बाद आप सोच रहे होंगे यहाँ पे तो ओनली वो माइक का आइकन है, यहाँ पे कैमरे का आइकन कैसे होगा। फ्रेंड्स कैमरे के आइकन के लिए अपन को राइट साइड में टॉप एरिया में इमेजेस लिखे हैं, इमेजेस पे क्लिक करना होगा। जैसे फ्रेंड्स आप इमेजेस पे क्लिक करोगे तो आपके कैमरे का भी आइकन आएगा। जनरली लोग इसको अवॉइड करते हैं, आज हम जानने वाले हैं इसका यूज क्या होता है। फ्रेंड्स इसका यूज जनरली उस काम में आता है अगर आपको किसी भी इमेज का कोई भी स्टेटस अगर जानना हो, जैसे कि व्हाट्सएप पर वायरल हो रही इमेजेस होती हो सकती हैं वो, या वो किसी फेसबुक के पोस्ट पर वो इमेजेस हो सकती है, या किसी वीडियो में वायरल हो रही वो इमेजेस हो सकती है, जिससे आप उसका स्टेटस जान सकते हैं कि वो इमेज फेक है या रियल है, या उस इमेज से रिलेटेड कितनी पोस्ट गूगल पे है। तो लेते हैं इसका डेमो, चलते हैं कैमरा आइकन पे। तो फ्रेंड्स कैमरा आइकन पे जाने के बाद किसी भी आप इमेज की लिंक आप URL डाल सकते हैं या इमेज को अपलोड भी कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी की साइट से इमेज उठाना चाहते हैं या आप कहीं से भी उठा चाहते हैं, उसका URL भी डाल सकते हैं इमेज का, या आप फ्रेंड्स डायरेक्टली अपलोड भी कर सकते हैं। तो हम अपलोड के ऑप्शन में चलते हैं। आपको जैसे आपको वायरल इमेजेस आ रही हैं एक व्हाट्सएप पे ग्रुप पे शेयर हो रही हैं, अब सेकंड लेवल में संदीप महेश्वरी की फोटो कर लेते हैं, अपलोडिंग फाइल हो रही है। तो फ्रेंड्स जैसे ही हमने ये इमेजेस डाला, सबसे पहले तो नाम आ चुका है संदीप महेश्वरी, उनसे इससे रिलेटेड और इमेजेस आ चुकी है। तो जनरली फ्रेंड जो मतलब चेहरा है जो गूगल पे इसकी इमेजेस ऑलरेडी डली हुई है, तो गूगल ने बता दिया कि इसको मतलब विजुअली सिमिलर इमेजेस, विजुअली सिमिलर इमेजेस उसने हमारे सामने पेस कर दी है और दिखा दी है। तो फ्रेंड्स यही इस मतलब कैमरे का ऑप्शन मतलब ज़्यादातर इमेजेस इस कैमरे का यही है। जनरली आप किसी भी फोटो को यहाँ लगा के आप उस फोटो का स्टेटस जान सकते हैं और देख सकते हैं कि वो फोटो किसके, जनरली हो सकता है फ्रेंड कोई मतलब ऐसी फोटो जिसको आप नहीं जानते हो, जनरली वो मतलब फेमस हो इसको आप नहीं जानते हो, आउट ऑफ इंडिया, इंडिया के बारे में कभी हो सकता है, तो जनरली तो आप ऐसे स्कैम में नहीं फंस सकते। जनरली आप उस फोटो को वहाँ से उठा के या कोई आपको फेसबुक पर शादी अननोन नंबर से जिसकी फोटो लगी है वो आपको नहीं आ रही समझ में कैसे, तो उसको फोटो को वहाँ से उठा के अपलोड करके देख सकते हैं कि उस फोटो का कहाँ कहाँ यूज हुआ और एक्चुअली उस फोटो या उस फोटो के पर्सन का नेम भी क्या है, मुझे भी पता चल सकता है अगर गूगल किसी ऑप्शन होगा उससे रिलेटेड। तो फ्रेंड आज के वीडियो में हमने जाना कि गूगल में इस कैमरे का ऑप्शन क्या होता है, मुझे कहाँ से ओपन होता है, जनरली लोग इसको अवॉइड करते हैं, तो आज ये कितने काम का फीचर्स है। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।